हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो ये वाला फ़ोटो एडिटिंग मैं आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन में दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक भी कर देना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फोटो को ऐड कर लिया है और यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड और पीएनजी को इस्तेमाल करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले हमें ऐड फोटो के ऊपर जाना है और यहाँ से ऐड फोटो पे जाने के बाद ये वाला पीएनजी और इसको सिलेक्ट कर लेना है दोनों को, और यहाँ से इन दोनों को जूम करके अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से करना है आपको भी। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको क्लिक करना है और एरेस के ऊपर जाना है और पैर के साइड आपको एरेस कर देना है पहले। उसके बाद आपको जो एरेस वाला साइज है उसको 1% पे रखना है, और 1% पे रखने के इस तरह से आपको एरेस करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, जिससे ऐसा लगा कि पैर ग्रास के अंदर है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है अच्छे से। इसके बाद यहाँ से डन कर देना है, और डन करने के बाद आपको ऐड फोटो के ऊपर जाना है और ये वाला यूएफओ वाला पीएनजी को आपको सिलेक्ट करना है और ऊपर के साइड को लगाना है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से डन कर देना है और ये बैकग्राउंड हो जाने के बाद अब अपने फ़ोटो को हम एडिट करेंगे। तो अब सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है वहाँ पर आपको पीएनजी को एक सिलेक्ट कर लेना है, आपको पता ही होगा। तो आपका भी ऐड फोटो पर जाना है और यहाँ से अपने मॉडल के फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरह से जूम करके आपको एडजस्ट कर लेना है। तो ये करने के बाद आपको एरेस के ऊपर जाना है, और एरेस पे जाने के बाद जो लेग्स के साइड है उसको आपको अच्छे से एरेस कर लेना है जैसा मैं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फटाफट से कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया और यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको डन कर देना है, और डन होने के बाद यहाँ पे आपको ऐड फोटो के ऊपर जाना है और यहाँ से ये वाला पीएनजी को आपको सिलेक्ट कर लेना है और जूम करने के बाद इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और एडजस्ट कर लेने के बाद आपको एरेस के ऊपर जाना है, ये वाला जो एरेज वाला ऑप्शन है उस पर जाने के बाद आपको एरेज कर लेना है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है और इसके बाद यहाँ से इसको डन कर देना है। और नेक्स्ट हम ये साइड वाला पेयर को करेंगे। इसके लिए हम फिर से और एक पीएनजी को लेंगे और यहाँ से इसको भी सेम उसी तरह से एडजस्ट करके सेट कर लेंगे। तो ये यहाँ से हो जाने के बाद अभी यहाँ से जितने बैकग्राउंड्स हैं मैं ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
तो मैंने यहाँ पे जितने भी PNGs थे सबको ऐड कर लिया है, आपको भी इसी तरह से करना है। और अभी हम इस फ़ोटो का भी यहाँ से सेव कर लेते हैं ड्रॉ में जाके। और अभी हम जो बैकग्राउंड वाला है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है जो हमने पहले एडिट किया था। अभी हम जो अभी एडिट करे हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसको जूम करके अच्छे से आपको ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से कर लिया है। अभी हम ड्रॉ टूल के ऊपर जाते हैं और ड्रॉ टूल के ऊपर जाने के बाद जो कलर वाला ऑप्शन है वो ब्लैक सिलेक्ट होके होगा, और ब्रश वाला ऑप्शन में जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है और साइज़ को बिल्कुल 100 पे रख देना है, मतलब फुल रख देना है। और यहाँ से कुछ इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ करना है और ये वाला आइकॉन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से ट्रांसफर पर क्लिक करके ट्रांसफर कर लेना है। और थोड़ा सा यहाँ पर भी जो हमने PNGs ऐड करे हैं वहाँ पे थोड़ा सा भी ब्लैक इफेक्ट डाल देना है जिससे 3D लुक लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ पूरे को। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको बिफ़ोर बता देता हूँ। बिफ़ोर ऐसा था और ब्लैक शेडो लगाने के बाद कुछ इस तरह से हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट ऐड फोटो के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से मैं ऐड फोटो पर जाता हूँ और यहाँ से जो ये वाला टेक्स्ट है, क्रियो वाला टेक्स्ट, उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेने के बाद पैर की साइड लगाना है, नीचे की साइड। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद यहाँ से डन कर देना है। और अभी आपको जो टूल्स वाला ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से एडजस्ट के ऊपर जाना है। और हम यहाँ से जो क्लैरिटी वाला ऑप्शन है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ से कॉन्स्ट्रैक्ट को भी थोड़ा सा कम कर देंगे लगभग इतना, और शेडो को भी कम कर देंगे। और यहाँ से जो टेम्परेचर वाला ऑप्शन है उसको थोड़ा सा प्लस के तरफ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको डन कर देना है। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो कितना कमाल का लग रहा है। अभी हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं। इसके लिए हमें ड्रॉ टूल के ऊपर जाना है और यहाँ पे 3 डॉट पे ऊपर क्लिक करके सेव कर लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दो इस तरह के और फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियोज़ देखने के लिए। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। तो मिलते हैं फिर अभी अगले वीडियो पर।